हाय गाइस, हाय गाइस। तो अभी ना क्या हो रहा है, दोपहर हो रहा है अभी। मैं ठीक है, पहले उसी को देख लीजिए। हेलो गाइस, तो आप मिल लीजिए। हाँ मिल लीजिए सागर से, रौनक से, ये सब लोग से। तो फाइनली हम लोग डल्टनगंज में पहुंच चुके हैं सब लोग। और अभी टाइम क्या हो रहा है? वो तो वहीं पे रह गया। अभी टाइम अभी 3:05 हो रहा होगा। और आज है पम्मी का बर्थडे, तो हम लोग जा रहे हैं कुछ सामान लेने। पम्मी का कुछ ड्रेस लेना होगा शायद, मैं भी। तो हम लोग सब लोग निकल रहे हैं अभी स्कूटी से, स्कूटी से। और बहुत बहुत बड़ा सरप्राइज रखने वाली है छोटी उसके लिए। मेरे पास कोई पैसा वैसा नहीं है, कंगा नहीं है। फिर तो ब्लैकमेल कर दे, हम ब्लॉग में बोलिए इतना पैसा मिला हमको, इतना पैसा मिला उसके लिए स्पेशल वीडियो बनाया है बर्थडे गन। बस हम लोग निकल रहे हैं अभी दोपहर में, जा रहे हैं हम लोग मॉल में कुछ शॉपिंग करना है इन लोग का। मुझे कुछ लेना है जो कि मैं नहीं बता सकती, तो चलते हैं गाइस, मिलते हैं मॉल में, जाकर शॉपिंग करते हैं और देखते हैं कि प्लान क्या का है आज का, कि आज होटल में बनेगा या घर पे होगा बर्थडे। कोई प्लान अभी प्लान नहीं, मतलब हुआ है बट अभी कंफर्म नहीं हुआ है, प्लान है। और यहाँ पे सब लोग, इसलिए हम लोग सब लोग आए हैं। जीजू का एग्जाम है, तो अभी जीजू और भाई गए हैं एग्जाम देने। चलिए गाइस चलते हैं, और कल तो बस चलते हैं। अभी सोई हुई मेरी बाबू इतनी डर जा रही है क्योंकि यहाँ पे इतना हल्ला हो रहा है। वो बार जहाँ कैमरा घुमा रहा है सब लोग कपड़ा चेंज कर रहा है। चलिए गाइस चलते हैं, मिलते हैं बाद में गाइस। बहुत ज्यादा गर्मी है और बहुत ज्यादा हालत खराब है। मारो 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 मारो, अभी ये लोग में लड़ाई हो रहा था, अभी ये लोग शांत हो चुका है। तो पम्मी मौसी का गिफ्ट देने वाले हो आप? ठीक है, देने वाले हो? नहीं, तो ये तो बेटे हैं लोग, बेटे क्या गिफ्ट देंगे? बेटे बस ऐसी बात देंगे कि माँ जल्दी से दोबारा माँ बन पाई। उधर भी ब्लॉग बना के आते हैं। तो हम लोग निकल रहे हैं अब घर से। मैं तो निकल चुकी हूँ, बाकी लोगों को तो पता नहीं। और अभी बहुत हार्ड वाला धूप है, मैं नहीं जा रहा हूँ। तो ये देखो मैं क्या ली हूँ, स्टॉल। बट मेरे को स्टॉल बांधना बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बट भाई अपना फेस बचाना जरूरी भी है। चलेगी? हेलो, कल का बीबी का वेलकम का बैलून अभी लगा हुआ है। सोच रहे पम्मी का इसी में केक काट लेती हूँ। नहीं, कितना गुस्सा आ रहा है, कब से रेडी हो चुके हैं, क्या पता क्या कर रही है लोग। अरे चलना है, अभी नहीं मिल रहा था, बहुत हार्ड वाला धूप है गाइस। चलते हैं, अभी निकलते हैं हम लोग घर से और देखते हैं क्या क्या लेते हैं। बहुत हार्ड वाला धूप, बहुत ज्यादा ड्रेस पसंद आए इसको, देखते हैं ट्राई करेगी, पसंद आएगा तो लेगी। क्या हुआ? प्रिया देख लिए, यहीं से ले गए थे। ये दिखा ना, इसे हमको लेना है, ले ले। आज वीडियो में दिखा देगी। गर्ल के लिए ड्रेस एकदम परफेक्ट लग रहा है। मेरे को तो बिल्कुल चप्पल वप्पल सारा कुछ मैचिंग मिल चुका है, तो मेरे को तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। हम बोल रहे हैं ये ले लो, तो ले लो। मैं पसंद की हूँ, अदरवाइज हो ही नहीं सकता। इसका पसंद देख लो, इसको हम बोल एकदम। चलो गाइस देखते हैं क्या होता है, बहुत सुंदर है। बोल रहे ड्रेस पसंद भी आया तो उसका बिलिंग नहीं हो पाया, और वो काफी खूबसूरत ड्रेस था, बट क्या कहता है उसका बिल ही नहीं ले पा रहा, तो वो ड्रेस कैंसिल हो चुका है। चलते हम देखते हैं दूसरा मॉल में दूसरा ड्रेस। चलो गाइस दूसरे मॉल में हम लोग आ चुके हैं। वो ड्रेस बहुत खूबसूरत लगा हमको, बट कोई नहीं गाइस, हम लोग दूसरा ड्रेस देखने आ चुके हैं। इनको ड्रेस दूसरे मॉल में भी पसंद नहीं आया, बट मैंने अपने लिए एक ड्रेस और बाबू के लिए ये वाला ले लिया। बर्थडे वाला तो बर्थडे के ना लिया, जिसका बर्थडे कल का लेना है उसका हर टाइम चप्पा ही चप्पा है, उसका लफड़ा है भाई। चलो देखते हैं दूसरे मॉल में हम लोग जाते हैं।
कच्चे रास्ता में स्कूटी धोखा दे रहा है गाइस बार बार। हम लोग अभी भी गाड़े देख रहे हैं, दूसरा मॉल चेंज हो चुका है, अब तीसरे मॉल में जा रहे हैं। आई होप कि वहाँ इसको कुछ पसंद आ जाए, वरना वो भी स्कूटी अभी तो पूरा स्कूटी जवाब दे दिया है। बहुत भयानक वाला हार्ट वाला धूप और गर्मी है। चलो चल फाइनली स्कूटी स्टार्ट हो गया। थर्ड मॉल है। अच्छा तो हम लोग आ चुके हैं थर्ड मॉल में। अभी देखते हैं क्या होता है। पैंट लग रहा है। हाँ बच्चा इसमें तो कपड़ा है लेकिन पैंट की पूछ रहे हैं तो बोलिए छो सात बोले नहीं ये लो भी ये भी सही है छोटा छोटा कपड़ा नहीं बोली ऐसी पैंट बोली। तो हुआ कुछ यूँ ना कि चार मॉल घूमने के बाद भी भाई साहब पम्मी को कुछ पसंद नहीं आया। उससे ही क्यों हम लोग को भी कुछ अच्छा ड्रेस बर्थडे टाइप नहीं दिख रहा था। फिर जीजू कार लेकर आए क्योंकि हम तीनों जने स्कूटी से थे तो कार से फिर भाई आया। उसके बाद हम लोग चौथा मॉल भी घूमे जिसका मैंने सूट नहीं कर पाया। फिर पाँचवें मॉल में जाकर इसको पसंद आया फाइनली एक ड्रेस, वो भी ये हाँ ना में कर रही थी बट हम लोगों ने बोला पहनो बहुत ज़्यादा ये ट्रेन में अभी ड्रेस चल रहा है। ड्रेस पसंद आ गया पांच मॉल घूमने के बाद। पांच मॉल ये लड़की घूमी है पांच मॉल तब जाके इसको पसंद आया जीजू ठीक है ये। और फाइनली हम लोगों को जीजू भी मिल चुका है। और हम लोग ना घर से 3 बजे निकले हुए थे, 3 बजे शाम के, रात को 8 बज चुका था सिर्फ पम्मी का ड्रेस देखने में। फिर रात के 8 बजे हम लोग केक के शॉप पे आए, वहाँ से केक लिया फटाक से जल्दी से। उसके बाद घर गए, घर जाकर जल्दी से फटाफट से हम लोग सारे जन रेडी हुए और 9:30 तक हम लोग होटल में पहुँचे। और होटल में जाकर वहाँ पर केक काटा, वहाँ पर सारा कुछ फिर बात बात हुआ, बुकिंग हुआ सब कुछ, फिर वहाँ पर सारा कुछ हो गया। तो कंटिन्यू आप लोग देखते जाओ। चलो गाइस फाइनली बर्थडे मनाने हम लोग जा रहे हैं। चलो चलो देखिए और एकदम सिंपल वे में मैं जा रही हूँ सब लोगों को, लेकिन प्रिया जी बहुत सुंदर लग रही है गाइस। प्रिया जी बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है। चलते हैं। हाँ चलिए चलिए होटल में नहीं उसमें माचिस रखा हुआ है बाबू में। चलो आ जाओ तो रात के 9 बजे हम लोग आए हैं होटल में पम्मी का बर्थडे का केक काटे। चलते हैं देखते हैं। क्या बेटा क्या बोलना चाहता है? मैंने गाड़ी में पाद मार दिया। चलो चलो गाइस चलते हैं। हमको तो लगा कि हेलो गाइस चलो चुके थे होटल में। होटल में जाने के बाद जीजू भाई ने बात करा होटल वाले से कि हम लोग को केक बाहर में कटिंग करना है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे 5-6 बार बर्थडे सेलिब्रेट किया। एक बार भाई का बर्थडे जब था तो हम लोगों ने उस टाइम बहुत ज़्यादा सुबह मतलब था तो हम लोगों ने बाहर में ही सेलिब्रेट किया था, बहुत अच्छा वीडियो फोटो आया था। तो अभी ना क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी था तो हम लोगों ने सोचा बाहर में ही करते हैं केक कटिंग, बिकॉज बहुत अच्छा लोकेशन भी था वहाँ पर, बहुत अच्छा खूबसूरत होटल है और बहुत ज़्यादा हवा चल रहा था अच्छा सा, तो मैंने बोला कि बहुत अच्छा लगेगा। तो उन्होंने सारा कुछ अरेंजमेंट कर दिया लाइट वाइट का, फिर हम लोग जाकर केक काटे बाहर में। और यहाँ देखो ये बर्थडे गर्ल रेडी हो चुकी हैं, फाइनली इनको यही ड्रेस पसंद आया था। तो बस हम लोग जा रहे हैं बाहर में केक काटेंगे। उसके बाद खाना वाना खाया हम लोगों ने। यहाँ पे बाबू को मम्मी प्यार कर रही थी, बाबू को लेकर आने में थोड़ा सा हम लोग का ये रिस्क लग रहा था बिकॉज बहुत छोटी है वो ना, तो रात में लाने में थोड़ा डर लग रहा था, बट अब सब कुछ हो चुका था तो यहाँ पे फोटो शूट हो रहा है। तो अब हम लोग जा रहे हैं
केक कटिंग करके खाना वाना खाएंगे। तो आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग को एंजॉय करो। तो इसी होटल में हम लोग ने भाई का बर्थडे सेलिब्रेट किया था, तो उसका ब्लॉग मैंने पोस्ट किया था, आप लोग देख सकते हो। सब चीज़ का ऑर्डर हो चुका है, सब लोग अभी फोटो शूट करा रहा है। और क्योंकि हम लोगों ने केक वेक ले लिया था, हम लोग सोचे थे होटल में डेकोरेशन करवाएंगे, बट बहुत ज़्यादा अभी काफ़ी ये हो चुका है, रात हो चुका है, तो हम लोग बाहर में ही, बहुत अच्छा वेदर है अभी, तो हवा चल रहा है, तो बाहर में ही केक कटेगा। तो बस सब लोग अपना फ़ोटो शूट करा रहा है, क्योंकि यहाँ ये होटल बहुत खूबसूरत है और यहाँ पर हम लोगों ने 3-4 बर्थडे सेलिब्रेट किया है, इसलिए तो बस। और मैंने आज ये ड्रेस पहना है, तो बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को लग रहा है सब लोग अच्छे लग रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ पे फोटो शूट हो रहा है गाइस, देखो। तो बस हम, मैं अभी घूम रही हूँ और यहाँ पे दिल वाला पोज होकर हो रहा है, देखो। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मतलब दो दिल मिल रहे हैं मगर घास के बीच में, बट ये मेरा फेवरेट जगह है। ने ये रहता है, क्या बोलते हैं उसको, प्लांट्स के बीच में। अगर मेरे को केक कटना हो तो दिल में हम गोली मार देते हैं।
तो बस बर्थडे सेलिब्रेट हो चुका है, हम लोग खाना खा लिए हैं और मेरी लाडू गुड़िया सिर्फ सोई है, ये पूरे दिन पूरे रात सोती है, देखो कैसे सोती है। और थोड़ा सा रात में इसको निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि इतना छोटा बेबी को रात में हम लोग नहीं निकालते, बट मजबूरी में लाना पड़ा क्योंकि सब लोग आ रहे थे, इसको कौन रखता, बट हम लोग इसका बहुत ध्यान रखे हैं, बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग छोड़ सकते क्योंकि भाई ये सभी जानते हैं। तो बस हम लोग अब बर्थडे सेलिब्रेट हो चुका है तो हम लोग घर जाएंगे और खाएंगे, खा लें बहुत ज़्यादा खाना हम लोग ने खाया, कुछ लोग नॉनवेज, कुछ लोग चिकन, तो सब लोग खाया। तो हम लोग जा रहे हैं घर और हमें अभी बिलिंग हो रहा है, उसके बाद हम लोग घर जाएंगे, उसके बाद सो जाएंगे। तो बस आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। तो ब्लॉग इसी होटल में अटेंड कर रहे हैं, तो बाबा गाइस टाटा एंड लव यू, तो मैं लाडू वाली को देख लो, कुछ भी है तो बाबा लव यू।